ओ भाई साहब, मैं लेकर आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, वो भी क्लचर से। जो ब्राइडल या आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो वो वाला हेयर स्टाइल कैसे बनाएं हम, वो भी क्लचर वाले हेयर एक्सेसरी से, कि हमारी लंबी चोटी भी लगे और हम मेरा एक अलग सा साउथ इंडियन टाइप जैसे लुक यूज होता है तो वो वाला भी लगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ वही क्लचर वाला हेयर एक्सेसरी। तो देख सकते हैं मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा शेयर किया हुआ है ये वाला, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सारे हेयर एक्सटेंशन अपने शेयर किए हुए हैं, तो मैं वही क्लचर वाला हेयर एक्सटेंशन और वो भी पैकेजिंग के साथ मैंने आपको बताया हुआ कैसे शेयर करना है, रखना है। तो ये देख सकते हैं ये वाले, और पहले इसमें हम कॉम करेंगे फिर इसको लगाएंगे। ये देखिए, तो मैंने इसमें कॉम कर लिया है, इसके साथ ये वाला क्लेचर है और ये रहा मेरा हेयर एक्सटेंशन। तो देख सकते हैं इसको मैं लगाऊंगी अपने बालों में। मैं इसको फ्रंट हेयर स्टाइल बना लेती हूँ, जो मुझे रखना है वो वाला हेयर स्टाइल बनाऊंगी, फिर इसके बाद इसको लगा के दिखाऊंगी। तो मैंने अपने बालों में कंघी कर ली है और मैं यहाँ से पफ बनाने वाली हूँ। देख सकते हैं मैंने ये पफ बना लिया है और इसको क्लिप से स्क्वायर कर लूंगी। तो देख सकते हैं ये मैंने पफ बना लिया है, अब मैं इसमें हेयर स्टाइल बनाऊंगी। तो सबसे पहले फ्रंट का एक वो निकाल लेते हैं। और पीछे से इसमें रबड़ बैंड लगाएंगे। पहले सबसे पहले आपको ये बालों को हाई पॉन बनाना है, इतनी हाई भी नहीं कि नॉर्मल सी। ये रबड़ बैंड लगाना है यहाँ पे। टाइट सी पोनी बनानी है एक ना, कि आपका क्लचर यहाँ से स्लिप ना हो। ये देखिए मेरी पोनी बन गई है। क्लचर हेयर एक्सटेंशन लगाने वाली हूँ और ये देख सकते हैं सिंपल ही बस ऐसे करना है, और ये मैंने लगा लिए हैं और क्लेचर अटैच कर लिया है। अब इसके बाद मैंने करना है ये वाला हेयर बन लगाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का नेट है और ये वाला बन लगाने वाली हूँ अपने बालों में। तो यहाँ पर ये क्लेचर भी ढक जाएगा और अच्छा सा लगेगा। आप इसको साड़ी में या इसके साथ गजरा भी लगा सकते हैं है ये वाला, और यहाँ क्लचर ये छिप जाएगा। और साउथ इंडियन साड़ी पे या आप कुछ ही लहंगे पे बना रहे हैं या ब्राइडल पे यूज कर रहे हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। क्या करना क्या है, नेट पे रख देना है, ये क्लचर पे रख देना है और ये पिन की सहायता से, पिन की हेल्प से जैसे ये नेट है ना, इसमें फंसा के यू पिन लगाना है। जैसे ये नेट है तो ये वाला मैंने ऊपर वाला लगा दिया है। अब नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे मैं आगे टर्न होकर दिखाऊंगी। और ये वाला हेयर स्टाइल यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ पे दिख रही होगी आपको फुल लेंथ। अब इसमें करना है क्या है, इसमें ना एक चोटी बनानी है, तो सिंपल चोटी बनाते हैं इसमें।
ही छोटी करनी है जो आप यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जो हम नॉर्मल घर में करते हैं। अब इसको मैं आगे से करूंगी जो इजी हो जाएगा। ये वाला हेयर स्टाइल ना ब्राइडल या साउथ इंडियन पे बनाएंगे ना, बहुत ही प्यारा। ओ गॉड, देखने वाले पूछेंगे, देखते रह जाएंगे और पूछने वाले पूछते रहेंगे ये आपने हेयर स्टाइल कैसे बनाया है। स्टैंड में इसमें रबर बैंड लगाऊंगी। इसके ऊपर ना यहाँ पे गजरा भी लपेटते, जैसे यहाँ पे साइड से लेके, और ये पूरा गजरा व्हाइट फ्लावर से और बीच में रेड होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। और अभी मैं इसको आपको ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ। पहले नीचे कंघी कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं जो ये कई बार ना हेयर एक्शन में ऐसे बाल निकल रहे होते हैं, तो आपको यहीं से ही कट करना है, उसको खींचना नहीं है, वो जहां से निकल रहा है बस वहीं से कट कर देना है, नहीं तो सारे बाल खराब हो जाएंगे। मैंने ये ले ली है सीजर और इसको हम कट करेंगे, जैसे कि ये मेरा यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए, ठीक है, बस इसको खींचना नहीं है, नहीं तो खींचोगे तो सारे बाल खराब हो जाएंगे। और ये रही मेरी चोटी, देखिए, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये वाला हेयर स्टाइल कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट बताना, एक लाइक कर देना और सगे संबंधी का शेयर कर देना। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। इसी तरीके के वीडियो लाती हूँ, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।